गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स? तो मैं आज आपके लिए जो सब्जेक्ट है वो लेकर आई हूँ, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। मेनली सबसे पहले इसमें हम स्टडी करेंगे कि नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होती है, और उसके बाद धीरे धीरे अपने इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ये जो सिलेबस है वो डिज़ाइन किया गया है AICTE के अंडर बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए फाइनल ईयर पे। लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी से जल्दी आपका ये मटेरियल बनाऊं और आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज जो है वो इम्पार्ट कर सकूं। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहती हूं कि आप लोगों को अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना चैनल को ना छोड़ें। जितने भी कॉन्टिन्यूशन में आपके सिलेबस के रिगार्डिंग जितने भी लेक्चर्स होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो मैं इस कोर्स में ज़रूर डिस्कस करूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है आपके पास नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी का मीन्स आप सबको पता है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स विद द वैरायटी ऑफ थ्रेट्स एंड डिफेंस अक्रॉस ऑल द लेयर्स। लेयर्स कौन कौन सी होती हैं आप सबको पता है। जब हम नेटवर्क पे कोई भी डेटा सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांसमिट करते हैं तो इंटरनेट पे मेनली जो उसका मॉडल बेस मॉडल है डेट इज योर TCP/IP मॉडल, बट जो उसकी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है वो है OSI मॉडल में। तो जितना भी डेटा हमारा एक सेंडर से दूसरे रिसीवर तक शेयर होता है और एक रिसीवर से वापस उस सेंडर तक आता है, उसमें मल्टीपल OSI की 7 लेयर्स जो हैं वो फॉलो होती हैं। अगर यही चीज़ हम इंटरनेट पे यूज़ करते हैं तो हमारे पास 4 लेयर का आर्किटेक्चर होता है। तो मेनली नेटवर्क सिक्योरिटी कंसर्न्स अ वैरायटी ऑफ थ्रेट्स एंड डिफेंस अक्रॉस ऑल द लेयर्स, एंड नेटवर्क सिक्योरिटी रेफर्स टू द मेजर टेकन बाई एन एंटरप्राइज। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो डेटा है वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो कोई भी एंटरप्राइज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो फुल टाइम तो सभी लोगों को बिठा के नहीं रख सकती। तो मेनली कंसर्न क्या होता है उनका, कि उनका जो नेटवर्क है, जो उनका डेटा है, वो सिक्योर फॉर्म में रही। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सिक्योरिटी है वो दोनों तरह से होनी चाहिए, यानी कि हार्डवेयर सिक्योरिटी भी हो साथ साथ में सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी भी हो, ठीक है। तो आवर मेन एम एट सिक्योरिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड असेसिबिलिटी ऑफ द डेटा। हमें क्या करना है कि सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो ब्रीच नहीं होनी चाहिए। असेसिबिलिटी उन सबको मिले जो भी उस कंपनी के ऑथराइज्ड यूजर्स हैं या ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं जो उस डेटा को देख सकते हैं, अगर शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं। सो एवरी कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैज़ डिग्री ऑफ सॉल्यूशंस अगेंस्ट मैनी साइबर थ्रेट्स। तो मल्टीपल सॉल्यूशंस भी हमारे पास ऑलवेज अवेलेबल होते हैं। अगर प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं हम सबको पता है कि उसके सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। तो मेनली जो ये अटैक्स होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए, ये वो होते हैं साइबर थ्रेट्स के। तो नेटवर्क सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोटेक्ट वेरियस वल्नरेबिलिटीज इन द कंप्यूटर सिस्टम। कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं कंप्यूटर सिस्टम में, जैसे यूजर्स हो गए, वो मल्टीपल लोकेशंस में बैठे हैं, किस तरह का डेटा एक्सेस कर रहे हैं, उनके पास डिवाइसेस क्या क्या हैं, वो कौन से ऐप्स यूज करते हैं, कौन सी एप्लीकेशंस यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नेटवर्क सिक्योरिटी की वर्किंग किस तरह से रहती है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी इज प्रोटेक्टिंग ह्यूज स्टोर्ड डेटा एंड नेटवर्क इन लेयर दैट इंश्योर्स द बेटिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट हैव टू बी एक्नॉलेज बिफोर परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी ऑन द डेटा। कोई भी डेटा में कोई भी एक्टिविटी हो तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन के अंडर ही कोई भी डेटा है वो असेसिबल होगा। नॉलेज जो है उसको उसी के पार्ट को एक्नॉलेज किया जाएगा जो भी ऑथराइज्ड यूजर उस डेटा को एक्सेस करेगा। सो लेवल्स ऑफ दी सिक्योरिटीज जो है वो मेनली 3 लेवल्स हैं, जैसे फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी। फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी जो है वो मोस्ट बेसिक लेवल है जो इंक्लूड करता है आपके प्रोटेक्टिंग द डेटा एंड नेटवर्क थ्रू द अनऑथराइज्ड पर्सनल्स फ्रॉम
एक्वायरिंग द कंट्रोल ओवर द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द नेटवर्क। जैसे साइबर थ्रेट्स होते हैं, आप सबको पता है साइबर अटैक होता है, तो मेनली क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी नेटवर्क को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं हैकर्स, और उसका पूरा डेटा जो है वो अपने अंडर कंट्रोल कर लेते हैं। सो दीज इंक्लूड्स एक्सटर्नल पेरिफेरल्स एंड राउटर्स माइट used for the cable connections, ठीक है। So the same can be achieved by using devices like biometric systems. तो physical में automatically जो data है वो acquire हो जाता है, biometric systems में भी, जैसे हम finger से print लगाते हैं, या हम कई बार आप लोग आधार में अपने eyes के eyes देते हैं, अपने fingers के printouts देते हैं, तो वो सारा क्या है, एक तरह से फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी है कि फिजिकली अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आई तो उस पर्सन के थ्रू, क्योंकि अगर कोई कहेगा कि मैंने अपना पासवर्ड जो है वो मेरा किसी ने चोरी कर लिया, मैंने वहां रखा था, और ये मेरा यूजर नेम भी चोरी हो गया, मैंने इस तरह की ट्रांजेक्शन नहीं करी, तो फिजिकल सिक्योरिटी से इजिली वन कैन फाइंड आउट कि किस तरह से लेवल्स में हम चेक कर सकते हैं कि फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी किस तरह से काम करेगी। तो यहाँ पर बायोमेट्रिक, आप सबको पता है बायोमेट्रिक, जब हम एक आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो हमारी सारी बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होती है, हमारी रेटिना की जो वैल्यूज हैं वो स्टोर की जाती हैं, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो स्टोर किए जाते हैं, हमारी फेस है, हमारी लेटेस्ट फोटो है, वो सब क्या है, फिजिकल नेटवर्क सिक्योरिटी का पार्ट है। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल नेटवर्क सिक्योरिटी, फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग ऑफ द डेटा स्टोर्ड इन द नेटवर्क और द डेटा इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन थ्रू द नेटवर्क। जब वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ट्रांजेक्शन हो रही है, या जब दो लोग मल्टीपल सिस्टम से होकर, मान लीजिए मैं अपने फोन पे भी किसी बैंक का डेटा एक्सेस करती हूँ, अपने बैंक का अपने अकाउंट का डेटा एक्सेस करती हूँ, फिर मैं उसको मल्टीपल अपने घर के डेस्कटॉप से यूज करती हूँ, या फिर मैं किसी साइबर कैफे में जाकर उस डेटा को यूज करती हूँ, तो एक जो यूजर है वो उसको मल्टीपल डिवाइसेस से भी यूज कर रहा है, और वन प्रोटेक्शन फ्रॉम द अनऑथराइज्ड यूजर। एक तो हमें ये देखना है कि वो यूजर जो है वो सही यूजर नेम और पासवर्ड से एंटर हो रहा है, दूसरा हमें देखना है कि कहीं जो प्रोटेक्शन है वो वहां पर कोई किसी पर्सन के थ्रू कोई अनऑथराइज्ड यूजर तो नहीं है, जो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन जो है उसके कहीं ना कहीं वो स्टोर हो रही हो, जो भी यूजर अपना डेटा एंटर कर रहा है, जो भी अपने कार्ड की डिटेल्स एंटर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कहीं और जगह तो नहीं सेव हो रही है। तो वो सारी टेक्निकल नेटवर्क सिक्योरिटीज जो है वो भी चेक की जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या हो जाता है, दिस लेवल ऑफ द नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स यूजर का बिहेवियर, यूजर बिहेवियर्स लाइक हाउ द परमिशन हैज टू बी ग्रांटेड, किस तरह से परमिशन दी जाए, जैसे लाइक ओटीपी जो होता है, ओटीपी के अंदर वो ओटीपी उस पर्सन के फोन पे ही आएगा, जब वो ओटीपी सिंगल टाइम उसको एंटर करेगा, और वो ओटीपी भी कुछ टाइम के लिए ही वर्क करता है, जब वो सेम सिमेट्रिक डेटा जो है वो उसमें डालेगा तभी वो ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि हाँ हो सकता है ये इसी पर्सन ने इस डेटा को यूज किया है ना, वो पासवर्ड उसी का ही है। तो ऑथराइजेशन जो प्रोसेस है पहले वो टेक प्लेस होता है, तभी कोई भी ट्रांजैक्शन जो है उसको एक सफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। दिस लेवल आल्सो सजेस्ट द नेसेसरी अमेंडमेंट्स दैट हैव टू बी डन ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो नेसेसरी अमेंडमेंट, जैसे कहते हैं कि टाइम टू टाइम आप पासवर्ड्स चेंज करते रहें, टाइम टू टाइम जो है वो आप एक ही जगह ना जाएं, आप मल्टीपल, जैसे आप मान लीजिए मुझे पैसे विड्रॉल करने हैं, तो वो भी हम कई डिफरेंट पार्ट से कर सकते हैं, डिफरेंट एटीएम से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो हम एक ही एटीएम से करें। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटी में हमेशा ये जो यूजर का बिहेवियर है वो भी चेक किया जाता है कि यूजर किस तरह से मेरे सिस्टम पे आता है और वो अपनी इंफॉर्मेशन को किस तरह से एक्सेस कर रहा है, उसी बिहेवियर के डिपेंड, उसकी बिहेवियर के डिपेंडेंस हम क्या देखते हैं, फर्दर चेक करते हैं कि उसके एडमिनिस्ट्रेटिव नेटवर्क सिक्योरिटीज जो हैं वो हमने किस तरह से डिफाइन करनी है। सो टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट आता है एक्सेस कंट्रोल, कि ऐसा नहीं है कि हर पर्सन जो है वो आए और उसको एक्सेस मिल जाए,
है ना। तो ऐसा नहीं होता, नॉट एवरी पर्सन शुड हैव कंप्लीट अलाउंस टू द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क एज इट्स डेटा। सो जैसे हमने दिन में ही कोई ट्रांजैक्शन करनी है और मेरे से गलती से पासवर्ड एंटर हो गया गलत, तो गलत हो गया तो वो भी मुझे 3 चांसेस देगा। 3 चांसेस अगर मैंने उसमें गलत ही पासवर्ड एंटर किया है तो वो मेरा एक्सेस पूरे 24 आवर्स के लिए खत्म कर देगा। तो एक्सेस कंट्रोल जो है वो भी एक तरह का नेटवर्क सिक्योरिटी का, वी कैन से इट्स अ फीचर के टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी में हम इसको भी कंसीडर करते हैं कि किस पर्सन को एक्सेस देना है, कितना देना है, कितने टाइम वो एक्सेस कर सकता है, कितने टाइम के बाद उसको लॉग आउट हो जाना चाहिए। अगर लॉग आउट नहीं होता, सिस्टम बंद करता है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या करते हैं, उस पासवर्ड से उस यूजर को लॉग आउट कर देते हैं। एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, एंटीवायरसेस हम यूज करते हैं किसी भी सिस्टम की सिक्योरिटी के लिए, ताकि वायरसेस, ट्रोजन, स्पाइवेयर्स जो है वो हमारे सिस्टम में, हमारी जो सिस्टम की सिक्योरिटी है वो ब्रीच ना हो, मालवेयर ना हो, स्पाइवेयर्स ना आए, ताकि वो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन जो है उस यूजर तक ना पहुंचा दे जिस यूजर ने उस एप्लीकेशन को डिजाइन किया था। तो इसी तरह हम एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लाउड सिक्योरिटी। आप सबको पता है कि आजकल हम मैक्सिमम काम जो है वो क्लाउड टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं, वेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट डेटा इज स्टोर्ड ओवर द इंटरनेट। ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इंटरनेट पर स्टोर है, हमारी बहुत सी वैल्यूएबल चीज़ें, हमारी मेल्स, कईयों का तो बिजनेस, और कईयों के बहुत पुराने पुराने जो फोटोग्राफ्स हैं, एवरीथिंग जो है वो पर्सन जो है वो अपना सारा डेटा क्या करते हैं, क्लाउड पे स्टोर कर देते हैं। तो दिस इज़ वेरी वल्नरेबल टू द माल प्रैक्टिसेस दैट द फ्यू अनऑथराइज डीलर्स माइट पर्टेन। सो दिस डेटा मस्ट बी प्रोटेक्टेड एंड इट शुड बी इंश्योर दैट दिस प्रोटेक्शन is not prioritized over anything. So many businesses embraces SaaS, जो आपकी क्लाउड की एक तरह की एप्लीकेशन है, SaaS PaaS आपने सुना होगा। तो अभी हम इस पार्ट में इन सब चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे। सो फॉर प्रोवाइडिंग सम ऑफ इट्स एम्प्लॉयज द अलाउंसेस ऑफ असेसिंग द डेटा स्टोर ओवर द क्लाउड। ठीक है, अब मान लीजिए कोई पर्सन है, मैं हूँ, अगर बैंक ने मुझे ऑथराइजेशन दे रखी है कि मैं ऑनलाइन करके अपने अकाउंट डिटेल्स को एक्सेस कर सकती हूँ, कोई ट्रांजैक्शन कर सकती हूँ, तो वो सारा डेटा कहीं ना कहीं जो है वो एक क्लाउड पे स्टोरेज है, और जिसको इन फ्यूचर हम उतनी ही असेसिबिलिटी जो है वो हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन दे रखी है जिसका हम पार्ट हैं। सो हियर इज द प्रिंसिपल्स ऑफ सिक्योरिटी। जो प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटीज हैं वो 7 प्रिंसिपल्स हैं किसी भी सिक्योरिटी के अंदर। फर्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है, द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी डिटरमाइंस द सीक्रेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन। कितनी डिग्री है उस चीज़ की, कितने नंबर ऑफ एजेस जो है वो उस तरह के, मान लीजिए हम जो ग्राफ बनाते हैं उसमें इन डिग्री आउट डिग्री करते हैं, आप सब लोगों ने किया होगा जब आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो चेक की जाती है। कॉन्फिडेंशियलिटी में ये चेक करते हैं कि कोई भी जो पर्सन है वो क्या है, वो कितने टाइम से उस डेटा को कॉन्फिडेंशियली एक्सेस कर रहा है, सीक्रेसी कितनी मेंटेन की गई है किसी भी इंफॉर्मेशन की। द प्रिंसिपल स्पेसिफाइज दैट ओनली द सेंडर एंड द रिसीवर विल बी एबल टू द एक्सेस द इंफॉर्मेशन शेयर्ड बिटवीन देम। ठीक है, ये सभी को पता है कि अगर दो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम वीडियो कॉल करते हैं तो देर शुड बी अ मैसेज इज देयर कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन। इट मीन्स जब आप दो लोग कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कोई भी थर्ड पर्सन जो है वो आपकी कम्युनिकेशन को शेयर नहीं कर रहा है, यानी कि जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है वो एनकोडेड फॉर्म में हो रही है। So confidentiality compromises if an unauthorized person is able to access a message. तभी लूज करेगा जब कोई अनऑथराइज पर्सन जो है वो उस पर्सन को
वो उस जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको एक्सेस कर रहा है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो उनकी सारी बातें सुन लेगा और उस मैसेज को इन फ्यूचर वो चाहे तो चेंज भी कर सकता है। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, इज द मैकेनिज्म टू आइडेंटिफाई द यूजर और सिस्टम और द एंटिटी। इट इंश्योर्स दैट द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन ट्राइंग टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन एंड द ऑथेंटिकेशन इज मोस्टली सिक्योर्ड बाय यूजिंग यूजर नेम एंड द पासवर्ड। आप सबको पता है कि ऑथेंटिकेशन जो है वो आप लोग करते हैं कोई भी पार, इवन आप ईमेल ओपन करते हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं। इसी तरह जब आप एटीएम से विड्रॉल करते हैं तो वहाँ आप अपना कार्ड डालते हैं, उसके बाद वो आपसे पिन नंबर पूछता है, वो भी क्या है, एक तरह की ऑथेंटिकेशन है कि आप ऑथराइज करते हैं कि आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो सही है। देन जो भी आपने इंफॉर्मेशन उस प्रोसीजर के अंदर एक्सेस करनी है, जितनी की आपको एक्सेसिबिलिटी दी गई है तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है और जो आप चाह रही है वही इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है, और वो इंफॉर्मेशन जो दी जा रही है वो एग्जैक्ट होगी, एक्यूरेट होगी। इफ द कंटेंट ऑफ द मैसेज इज चेंज्ड आफ्टर द सेंडर सेंड्स इट बट बिफोर रीचिंग द इंटेंडेड रिसीवर देन इट इज सेट टू बी दैट द इंटीग्रिटी ऑफ द मैसेज इज लॉस्ट। ठीक है ना, अगर किसी रिसीवर को कोई मैसेज मैंने भेजा है उससे पहले ही कोई जो इंटेंडेड रिसीवर है वो उस तक वो मैसेज जो है वो प्रॉपरली पहुंचे और उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे, जैसा सेंडर ने भेजा है वैसा का वैसा ही मैसेज वो है रिसीवर को मिलना चाहिए, यानी कि उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन जो है वो वहां पर नहीं होनी चाहिए। नॉन रेपुटेशन का मतलब होता है कि एक तरह से डिनाइल ऑफ मैसेज नहीं हो। ठीक है, यानी कि जब दो कंपनीज आपस में कोई बिजनेस डील फाइनल करती हैं तो उसका पेपर वर्क किया जाता है कि और उस पर दोनों के साइन होते हैं। इट मीन्स देयर इज अ नो मैटर ऑफ द नॉन रेपुटेशन में यही होगा कि दूसरा पर्सन सामने वाला उन कंडीशंस पे जिन्होंने वो एग्रीमेंट फाइनल किया है उससे वो मुकर नहीं सकते, दे कांट रिफ्यूज। ओके, नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल अगेन द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस कंट्रोल इज डिटरमाइंड बाय द रोल मैनेजमेंट एंड द रूल मैनेजमेंट। दो ही चीजें हैं, एक रोल मैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट का रोल क्या है, और कोई पर्सन जब कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करता है तो वो किस रूल्स के अंडर कर रहा है। रोल मैनेजमेंट डिटरमाइंस हु शुड एक्सेस द डेटा, कौन पर्सन है जो डेटा को एक्सेस कर सकता है, व्हाइल रूल मैनेजमेंट डिटरमाइंस टू व्हाट एक्सटेंट वन कैन एक्सेस द डेटा। द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड इज डिपेंडेंट ऑन द पर्सन हु इज असेसिंग इट। ठीक है, तो ये भी चेक करना पड़ता है कि कौन पर्सन जो है उस डेटा को एक्सेस कर रहा है, तभी आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाता है, ईमेल आईडी मांगा जाता है कि अगर आप कहीं पासवर्ड भूल जाते हो तो आपका जो पासवर्ड है वो आपकी मेल आईडी पे आता है और उस मेल आईडी से ही फर्दर आप उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि कई बार आपके पेरेंट्स ने इनकम टैक्स रिटर्न की कोई फाइल आती है या कभी कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने होते हैं जिसमें पहले पासवर्ड एंटर होता है तभी वो डॉक्यूमेंट ओपन होगा, तो इस तरह से हम क्या करते हैं वो एक तरह के रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं जिसके अंडर एक्सेस कंट्रोल जो है उसको मेंटेन किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास अवेलेबिलिटी। द प्रिंसिपल ऑफ द अवेलेबिलिटी स्टेट्स दैट द रिसोर्सेज विल बी अवेलेबल टू द ऑथराइज पार्टी एट ऑल टाइम्स। जो भी ऑथराइज पार्टी है उनको ऑल टाइम जो है वो रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। सो इंफॉर्मेशन विल नॉट बी यूजफुल इफ इट इज नॉट अवेलेबल। इंफॉर्मेशन वो सही बात है, मैं कुछ डाटा एक्सेस करना चाह रही हूँ, कोई इंफॉर्मेशन चाह रही हूँ, मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है, लेकिन वो अगर जो एप्लीकेशन है वो वर्क ही नहीं कर रही है तो उस इंफॉर्मेशन को कोई यूज नहीं है। जब मुझे वो इंफॉर्मेशन चाहिए थी तब वो मुझे अगर इंफॉर्मेशन ना मिले तो उस इंफॉर्मेशन का इन फ्यूचर अगर वो मुझे 2 दिन बाद मिलती है, 4 दिन बाद मिलती है, तो उस इंफॉर्मेशन का मुझे कोई फ्यूचर बेनिफिट नहीं होता। तो सिस्टम शुड हैव द सफिशियंट अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टू सेटिस्फाई द यूजर रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसमें यूजर की रिक्वेस्ट के बेसिस पे ही उसको सफिशियंट अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ये भी आपकी सिक्योरिटी
के ही अंदर एक प्रिंसिपल आता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो थे दीज आर द सम प्रिंसिपल्स जो हम यूज करते हैं। सो ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, और अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ ज़रूर आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, सो दैट मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकूँ।